हनुमान चालीसा विवाद में राणा दंपति को 14 दिन की जेल। कोर्ट ने पुलिस रिमांड की मांग को ठुकराया। 29 अप्रैल को जमानत पर होगी सुनवाई। नवनीत को भायखला जेल और रवि राणा को ऑथर रोड जेल भेजा गया। 29 अप्रैल को जमानत नहीं मिलती तो राणा दंपति को 6 मई तक जेल में रहना होगा। नवनीत राणा और रवि राणा पर राजद्रोह की लगाई गई है धारा। गिरफ्तारी के बाद बांद्रा कोर्ट ने किया था पेश। राणा दंपति की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने 10 और शिव सैनिकों को किया गिरफ्तार। अब तक 16 की हो चुकी है गिरफ्तारी। मुंबई पुलिस आज सबको कोर्ट में करेगी पेश। शिव सैनिकों ने राणा दंपति के घर पर किया था हंगामा। लाउडस्पीकर विवाद मामले में आज महाराष्ट्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने 3 मई तक दी थी सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की चेतावनी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार पर हत्या कराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार के इशारे पर उनकी हत्या की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर यह हमला शिवसेना के गुंडों ने किया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि किरीट सोमैया ज्यादा ना बोले, ज्यादा बोलेंगे तो उनके मुंह में कागज डाल दूंगा। केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि वहां से सिक्योरिटी घोटाला चल रहा है और अभी कुछ कहूंगा तो केंद्र जेड प्लस सुरक्षा दे देगी। किरीट सोमैया को मोदी सरकार से संरक्षण प्राप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7वें रायसीना संवाद का उद्घाटन करेंगे। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन होंगी इस संवाद की मुख्य अतिथि। दिल्ली में 10 जनपद पर कांग्रेस के नेताओं की आज बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे चर्चा। पंजाब के सीएम भगवंत मान का आज दिल्ली दौरा। दिल्ली सरकार के स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों में पहुंचेंगे, फिर पंजाब में अपनाएंगे दिल्ली मॉडल। केरल के शिक्षा मंत्री ने आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी पर झूठे दावे पेश करने का आरोप लगाया। कहा कि केरल से दिल्ली मॉडल को जानने के लिए किसी को नहीं भेजा गया। आतिशी ने पिछले महीने ट्विटर पर केरल के अधिकारियों का दिल्ली आने का कहा था। दिल्ली में सरोजिनी नगर की झुग्गियों को हटाने के मामले में आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। असम के कोकराझार की सीजेएम कोर्ट ने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को 1 दिन के लिए भेजा। न्यायिक हिरासत में आज जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। आज से दिल्ली में शुरू होगा भारतीय नौसेना के कमांडरों का 4 दिवसीय सम्मेलन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे शामिल। दिल्ली में लगातार 30वें दिन 1000 से ज्यादा कोरोना के केस। सक्रिय मरीज 2.5 महीने में सबसे अधिक। बीते 24 घंटे के दौरान 1083 नए मामले आए सामने। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से हुई मुठभेड़। पाहू गांव में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मुंबई में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड समारोह का किया गया आयोजन। पीएम मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किया गया सम्मानित। दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड समारोह में पीएम मोदी ने कहा, संगीत एक साधना भी है और भावना भी। हमारा सौभाग्य जो हमने लता दीदी को देखा है। पीएम मोदी ने पुरस्कार के बाद सभी देशवासियों को यह पुरस्कार जो है समर्पित किया। कहा कि संगीत आपको राष्ट्रभक्ति के शिखर पर पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू में पहली जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। पीएम मोदी ने 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी और रतले जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया तो क्वार जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास भी किया। जम्मू के सांबा में ग्राम सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर में विकास को गति देने का बड़ा दिन है।
पीएम ने कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, विकास का काम तेजी से हो रहा है, लोगों को घर का प्रॉपर्टी कार्ड भी मिला। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जो पहले 12वें नंबर पर था। श्रीनगर हवाई अड्डे पर फ्लाई सुविधा बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू में रैली से पहले ललियाना गांव के पास बड़ा धमाका हुआ। पीएम की रैली स्थल से महज 12 किलोमीटर दूर धमाका हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर ट्वीट का निशाना साधा और उन्होंने कहा कि गर्मी और महंगाई अभी और सुलझाएगी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजमर्रा की 143 वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला लिया, ताकि हर महीने 1,42,000 करोड़ से ज्यादा वसूल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मन की बात कार्यक्रम के जरिए कल संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान को याद करने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव से अच्छा समय और क्या हो सकता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश के लिए ये गौरव की बात है कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है और देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पीएम ने कहा कि इतिहास को लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ी है और ऐसे में पीएम म्यूजियम युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है, जो कि देश की अनमोल विरासत उन्हें जोड़ रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा, आप सब जानते हैं कि 18 महीने को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाएगा। आप अपने दोस्तों की मंडली के साथ स्थानीय म्यूजियम देखने जाएं, आप अपना अनुभव साझा करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कैशलेस गतिविधियां बढ़ रही हैं और हर दिन देश में 20,000 करोड़ से ज्यादा कैशलेस ट्रांजेक्शन हो रही है। गली नुक्कड़ की दुकानों पर भी UPI पेमेंट हो रहा है। आशीष मिश्रा ने CGM कोर्ट में किया सरेंडर, लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य आरोपी है आशीष। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत याचिका रद्द कर दी थी, आशीष मिश्रा को जेल भेजा गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में निकाली गई तिरंगा यात्रा, तिरंगा यात्रा में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग हुए शामिल, पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई यात्रा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नाइजीरिया के विदेश मंत्री के साथ दिल्ली में मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। भीषण जंग के बीच आज यूक्रेन पहुंचेंगे अमेरिका के मंत्री, कीव में जेलेंस्की के साथ होगी मीटिंग। जेलेंस्की ने कहा बाइडेन के यूक्रेन आने का है इंतजार। रूसी गोलाबारी में रविवार को खार्किव ओब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग जख्मी हुए हैं। यूक्रेन के सभी शहरों में एयर स्ट्राइक का अलर्ट जारी कर दिया गया है। डोनबास पर कब्जे के लिए रूस की बड़ी तैयारी शुरू, रूसी फाइटर जेट भर रहे हैं उड़ान। यूक्रेन का दावा, रूस ने बॉर्डर पर तैनात किया इस्कंदर मिसाइल सिस्टम, डोनेस्क में रूसी हमले तेज। जंग के बीच त्योहार की खुशियां, यूक्रेन में लोगों ने मनाया ईस्टर, युद्ध खत्म होने की कामना। राष्ट्रपति जेलेंस्की के साइन वाली बॉल होगी नीलाम, 11 मई तक चलेगा ऑक्शन, जमा हुई रकम से भी की जाएगी यूक्रेन की मदद। फ्रांस राष्ट्रपति चुनाव में इमैनुअल मैक्रों ने दूसरी बार जीता राष्ट्रपति चुनाव, 58.2% वोट के साथ मरिन ले पेन को दी मात। NSC की रिपोर्ट के बाद गर्जे इमरान, पूर्व पाक पीएम ने कहा कि माफी मांगे शरीफ, मेरे पास ना आए, मैं चोर का साथ नहीं चाहता। इमरान खान के नक्शे कदम पर पीएम शहबाज शरीफ, पुतिन को गुपचुप लिख रहे हैं चिट्ठी। जेडीयू ने एक बार फिर साफ किया है कि नीतीश कुमार 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, नीतीश के सीएम का पद छोड़ने का
ना लगाया जाए कयास। कोलकाता के टेंगरा में एक बार फिर कारखाने में लगी भयानक आग। 3 किलोमीटर दूर से दिख रही थी आग की लपटें। 10 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आरा के जगदीशपुर में तिरंगा झंडा फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाने पर लोगों को धन्यवाद किया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस संवाद कार्यक्रम के जरिए संगठन को मजबूत करने में जुटा। चलाया जा रहा है डिजिटल मेंबरशिप अभियान। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं से स्थापित किया जा रहा है संवाद। रांची के मैकलुस्कीगंज में 69 वर्षीय अमेरिकी नागरिक मार्क्स लिदरडेल आत्महत्या मामले की जांच के लिए SIT का गठन। DSP के नेतृत्व में होगी जांच। परिवार से अभी भी नहीं हो पाया है संपर्क। हिमाचल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी बीजेपी। मंडी में पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने कसी कमर। पार्टी के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का रखा है लक्ष्य। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने सहारनपुर में विभागीय अधिकारियों के साथ मीटिंग की और बिजली की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने का निर्देश जारी किया। सीतापुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिव नारायण लाल शर्मा की तबीयत बिगड़ी। यूपी के राज्य मंत्री सुरेश राही ने घर पहुंचकर जाना उनका हालचाल। अस्पताल में कराया भर्ती। नोएडा के सेक्टर 58 कोतवाली पुलिस ने रविवार रात 25,000 रुपए के इनामी अंतर्राज्यीय गोतस्कर को किया गिरफ्तार। हापुड़ के रहने वाले आरोपी के पास से चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस भी बरामद। अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए भारत में आया मुल्ठी का ट्रक। ICP अटारी पर जांच के दौरान मुल्ठी में से निकली हेरोइन की बड़ी खेप। अटारी बॉर्डर पर 102 किलो के करीब हेरोइन बरामद की गई है। हेरोइन के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 700 करोड़ रुपए आंकी गई है। यूपी के श्रावस्ती में दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला की धारदार हथियार से हत्या। वारदात के वक्त घर में अकेली थी महिला। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के सदर बाजार की घटना। फिरोजाबाद के थनाइका में खेत पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में खूनी झड़प हो गई। एक शख्स के सिर में डंडे की चोट से उसकी मौत हो गई। गांव में पुलिस बल तैनात। हिमाचल के नाहन में विवाहिता की मौत के बाद उपजा विवाद। मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप तो ससुराल पक्ष ने बताया खुदकुशी का मामला। यूपी के सीतापुर सकरन थाना क्षेत्र के एक कस्बे में आग का तांडव देखने को मिला। एक दर्जन से ज्यादा घरों में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। देर रात पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। बुलंदशहर के गांव में दलित गौरव गौतम की घुड़ चढ़ी को लेकर गांव में चप्पे चप्पे पर PSC तैनात की गई है। कई थाने की फोर्स को तैनात किया गया है। इस गाँव में पिछले साल दलित की घुड़ चढ़ी पर सवर्णों ने हंगामा किया था। दिल्ली रेलवे स्टेशन के सब्जी मंडी गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की 14 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाखों का नुकसान हुआ है। आगरा के जगनेर थाना इलाके के एक गांव में बिजली कनेक्शन काटने गई टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। दो लोग घायल। पुलिस कार्रवाई में जुटी। पटना में तेज रफ्तार पिकअप के पलटने से दर्जन भर छात्र जख्मी हो गए। दारोगा PT की परीक्षा देकर पिकअप से घर लौट रहे थे छात्र। गर्दनी बाग के पास हुई घटना। श्रावस्ती पुलिस ने हत्या का किया खुलासा। 3 को किया गिरफ्तार। तीरथ राम नाम के लड़के की हत्या करके शव को फेंका गया था नाले में। हिमाचल के जोगिंदरनगर में गहरू संपर्क सड़क की खस्ता हालत। मरीज को मुख्य सड़क तक लाने के लिए कंबल का आसरा लेना पड़ता है। कंबल को झूला बनाकर मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाता है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद पुलिस पर चेकिंग के नाम पर साधु से अवैध व्यवहार करने का आरोप लगा, जिसके बाद अब ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की और SSP ने मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है।
यूपी के जालौन में हाईटेंशन लाइन से निकली चिंगारी से खेत में खड़ी करीब 4 बीघा की गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नोएडा के सेक्टर 39 के डिग्री कॉलेज में प्रदेश के टैबलेट और स्मार्टफोन योजना के तहत 101 छात्र छात्राओं को दिए गए टैबलेट्स। मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने बांटे टैबलेट। बरेली दंगों की रोकथाम और दंगाइयों पर लगाम रखने के लिए रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों और अधिकारियों ने रिहर्सल किया। इस दौरान होने वाली घटनाओं पर क्या उपाय करना चाहिए इसकी जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास जम्मू शहर के बाहरी क्षेत्र रायका इलाके में लगी भीषण आग। वन क्षेत्र के कई कनाल आग की चपेट में। दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हिमाचल की मंडी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। वहीं भाषण और निबंध प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। झारखंड के खूंटी जिले में एक नाबालिग के साथ रेप की वारदात सामने आई है, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। रामपुर में थाना बिलासपुर इलाके में 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अब बदमाश का इलाज चल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी रोजा इफ्तार पार्टी। इफ्तार पार्टी पर बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरा। एक वर्ग को खुश करने में लगे हैं अशोक गहलोत। अयोध्या राम मंदिर के प्रमुख महंत की बिगड़ी तबीयत। महंत नृत्य गोपाल दास को किडनी में हुआ है संक्रमण। तबीयत बिगड़ने के बाद लखनऊ के मेदांता अस्पताल में किया गया भर्ती। संभल में खौफनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जहां एक वाहन की चपेट में आने से मां बेटे की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। फिरोजाबाद में शिक्षिका की दबंगई सामने आई है, जहां स्कूल लेट पहुंची और फिर पत्रकार के साथ बदसलूकी। जीएसटी परिषद ने दी सफाई। राज्यों से टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर नहीं मांगी गई कोई राय। फिलहाल टैक्स रेट बढ़ाने की कोई योजना नहीं। ईडी के चार्जशीट में राणा कपूर का दावा। प्रियंका गांधी से 2 करोड़ की पेंटिंग खरीदने को किया गया था मजबूर। बार बार मना करने पर भी बनाया गया दबाव। इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी का बड़ा कदम। ओला ने वापस बुलाए 1440 स्कूटर। गाड़ियों में लगातार आग लगने की घटनाओं के बाद लिया फैसला। LIC के IPO का आकार घटा। IPO में अब 3.5% हिस्सेदारी बेचेगी। LIC से 21,000 करोड़ जुटाने में लगी हुई। मुंबई में पेट्रोल 120 रुपए के पार। कोलकाता में शतक के करीब डीजल। राष्ट्रीय बाजार में 7 अप्रैल से पेट्रोल डीजल का भाव स्थिर। इससे पहले पेट्रोल और डीजल 6 अप्रैल को 80 पैसे प्रति लीटर हुआ था महंगा। लगातार 8वां मैच हारी मुंबई इंडियंस। लखनऊ 36 रनों से दी मात। आखिरी ओवर में गवाए 3 विकेट। आज पंजाब और चेन्नई के बीच होगा मुकाबला। IPL का ये 38वां मैच। शाम 7:30 बजे मैदान में उतरेंगी दोनों टीमें। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा मुकाबला। मुंबई के फास्ट बॉलर राजेश वर्मा का निधन। यॉर्कर गेंदों के लिए थे मशहूर। राजेश वर्मा ने 7 प्रथम श्रेणी मैचों में कुल 23 विकेट चटकाए थे। साल 2008 में उन्होंने ब्रेबर्न स्टेडियम में पंजाब के खिलाफ आखिरी फर्स्ट क्लास मैच खेला था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हुआ शानदार आगाज। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज 3,900 खिलाड़ी करेंगे शिरकत। मोदी बोले, युवा साथी खूब खेलेंगे, खूब खेलेंगे। एशियाई कुश्ती में दीपक पूनिया को रजत। विकी चाहर ने जीत हासिल की कांस्य पदक। भारत की कंपाउंड मेंस आर्चरी टीम ने जीता गोल्ड। फाइनल में फ्रांस को हराया तीरंदाज तरुणदीप राय। और रिद्धि ने पहली बार मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
केजीएफ 2 818 करोड़ की कमाई के साथ सातवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बन चुकी है। हिंदी में 300 करोड़ क्लब में जल्द शामिल होगी। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म की रिलीज डेट आई सामने। करण जौहर ने पोस्ट शेयर कर दी ऑफिशियल अनाउंसमेंट। सिंगर अंकित तिवारी की फैमिली के साथ होटल मैनेजमेंट ने की बदसलूकी। बेटी को खाना और पानी तक नहीं दिया। दिल्ली के एक होटल में अपने परिवार के साथ ठहरे हुए थे अंकित। हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी लव लाइफ को लेकर विवेक ओब्रॉय ने की खुलकर बात। बोले, जितनी लड़कियों को डेट किया उतना ही अकेला महसूस किया। करीना कपूर खान के बेटे तैमूर ने पपराजी को लगाई फटकार। बोले, कैमरा बंद कर दो दादा। क्रिकेट के भगवान ने मनाया अपना 49वां जन्मदिन। जन्मदिन पर सचिन ने याद किया करियर के यादगार पर। पाकिस्तानी फील्डर बने तेंदुलकर पकड़ सकते थे कपिल का कैच। 24 तारीख से है सचिन का खास कनेक्शन। मंदाना करीमी ने अपने अबॉर्शन कंट्रोवर्सी पर दी सफाई। बोली, मेरा अनुराग कश्यप से कोई रिलेशन नहीं था।